Today's topic is crying. So let's start. Read and enjoy. Crying only a little bit is no use. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Hindi meaning, केवल थोड़ा सा रोने का कोई मतलब नहीं है. Crying only a little bit is no use. केवल थोड़ा सा रोने का कोई मतलब नहीं है. You must cry until your pillow is soaked. आपको तब तक रोना चाहिए जब तक कि आपका तकिया पूरी तरह से गीला ना हो जाए. तभी आप पानी की बौछार स्प्लैश तभी आप पानी की बौछार या झरने में कूद सकते हैं और पानी से छपछपा सकते हैं या खेल सकते हैं. नेक्स्ट, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो. तब आप अपनी खिड़कियों को खोल सकते हैं. एंड हा 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 एंड इफ पीपल से हे व्हाट इज गोइंग ऑन अप देयर, तब आप अपनी खिड़कियों खोल सकते हैं और हा हा कर सकते हैं. एंड इफ पीपल से यदि लोग पूछते हैं हे व्हाट इज गोइंग ऑन अप देयर, यह सब क्या हो रहा है, हा हा सिंग बैक, अब आप हंसकर गाएं. हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर आई वेप्ट इट, हा हा, खुशी से तो मेरी अंतिम आंसू में छिपी थी जिसे रोकर मैंने निकाल लिया है, हा हा हा. इसका इस पूरे का जो मतलब ये हुआ कि तब आप अपनी खिड़कियों को खोल सकते हैं और हा हा कर सकते हैं यदि लोग पूछते हैं यह सब क्या हो रहा है, अब आप हंसकर गाएं. खुशी तो मेरी अंतिम आंसू में छिपी थी जिसे रोकर मैंने निकाल लिया है, हा हा हा. नेक्स्ट, दीज आर न्यू वर्ड्स. सॉक्ड, कंप्लीटली बैट, शॉवर, बॉथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव, वेप्ट, शेड टीयर्स क्राइड. लेट्स रीड. According to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? कविता के अनुसार या कवि के अनुसार आपको थोड़ा सा रोना चाहिए या ज़्यादा, आपको थोड़ा रोना चाहिए या ज़्यादा. तो आंसर इज according to the poet, you should cry a lot. Question number 2. What can you do after crying a lot? बहुत ज़्यादा रोने के बाद आप क्या कर सकते हैं? Answer: After crying a lot, you can laugh heartily. Question number 3. Read the first two lines of the poem Is the Mood. जो
पोएम की जो दो लाइन है उनमें पढ़ के आपको देखना है, तो पहली दो लाइन में क्या आपको क्या है उसका आंसर, क्या उसमें हैप्पी दिखता है, क्या आपको सैड दिखता है, क्या एंग्री दिखता है, क्या जीलिस दिखता है, क्या अपसेट दिखता है। ये जो पांच चीज़ें दी गई हैं इनमें से एनी वन इज़ देयर फर्स्ट टू लाइन में, कविता की प्रथम जो पंक्तियाँ हैं उन्हें पढ़ने के बाद उसकी मनास्थिति क्या है, है ना, क्या खुश है, उदास है, गुस्सा है, ईर्ष्यालु है। तो द आंसर इज दिस वन, सैड, द आंसर इज सैड। ओके, सेकेंड वन, इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज, आखिर की लाइन में पोएट का मन जो है ना लाइन चेंज हो गई है, व्हाट इज इट नाउ, वो क्या हो, क्या वो बहुत खुश हो गया है, क्या गुस्सा हो गया है, क्या बहुत ही चेयरफुल हो गया, बहुत खुश हो गया है बहुत ही, या फिर सैड हो गया है, या फिर जीलियस हो गया है। तो लास्ट के लाइन में वो क्या हो गया है, बहुत ही हैप्पी हो गया है। दिस वन इज राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आर दी सेंटेंसेस राइट आर रॉन्ग, ये जो सेंटेंसेस दिए हैं वो राइट हैं अथवा रॉन्ग हैं। तो हम देखेंगे, द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज शॉक्ड, दिस वन इज राइट। थर्ड, द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी, दिस वन ऑल्सो इज राइट। नाउ 5, 4, द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग, दिस इज रॉन्ग। नाउ लेट्स टॉक, वेयर डू यू क्राई, वाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, आप कहाँ रोते हैं, वह कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रुलाती हैं। आंसर, आई क्राई बिफोर माई मदर, आई क्राई वेन माई सिस्टर डिस्टर्ब मी, और वेन आई फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू क्राई वेन यू आर हैप्पी, क्या आप उस समय रो सकते हैं जब आप खुश होते हैं। आंसर, नो, नॉट एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, इन वॉट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस, वे कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप खुश होते हैं, आप अपनी खुशी किस प्रकार से जाहिर करते हैं। देन आंसर इज अटेंडिंग पार्टीज एंड परचेजिंग न्यू ड्रेसेस मेक मी हैप्पी, आई शो माई हैप्पीनेस बाई लाफिंग लाउडली एंड जम्पिंग ऑन माई बेड। नाउ से अलाउड, डैश बैश स्प्लैश कैश ट्रैश, स्टीर टीयर क्लियर डीर डियर, शॉवर पावर टॉवर फ्लावर ब्लॉवर, पॉग्ड क्रॉग्ड सॉग्ड स्ट्रॉक्ड जॉग्ड, वैप्ड कैप्ड क्रैप्ड लेप्ड स्लैप्ड। द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स इन नेस एंड कम्स फ्रॉम द वर्ड हैप्पी, राइट थ्री वर्ड्स दैट एंड्स इन द सेम वे, विच वर्ड्स डू दे कम फ्रॉम। सो ऑलरेडी दे हैव गिवन हेयर नेस, सो वर्ड विल बी क्लेवर। क्लेवर देन नेस, यू जी एल आई अगली, देन नेस नीटनेस नीट, देन मेन वर्ड इज क्लेवर,
So here answer will be there clever, clever, ugly, ugly, and then neat. Okay. Let's write. Fill in the blanks with the exact feeling word. We have to fill up here exact feeling word. So what the tourists were dash to see the beautiful Taj Mahal, amazed or shocked or worried. They will be amazed. Then we have to write here amazed. 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 Okay. Now second, the light went out suddenly. I was alone and worried, shocked or frightened. So here frightened, FRIGHTENED. Okay. Third, he has been ill for a long time and his parents were unhappy, worried or angry. So what will be there? Worried will come. Worried. Four, the shopkeeper was dash when he saw his safe wide open with all his money missing, unhappy, shocked or angry. He will be shocked. CKED. SHOCKED. 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 Narrate an accident when you have experienced happiness, excitement, surprise. You can use the following clues: with whom, when did it happen, why, where. Try to do. You only try to do or do yourself. Now food for thought. When you have something serious to think about, then you have food for thought. Okay, here is some food for your thought. Tomatoes are red, beans are green. A brinjal has a crown just like a queen. Potatoes are brown, onions are pink. Carrots have juice which I can drink. Vegetables make me healthy and wise, so eat some daily with roti and rice. So this was very nice poem, and thank you so much for reading this lesson. Thank you so much.